फर्स्ट, किसी भी पाकिस्तानी के लिए आप एक लेजेंड हैं, यू आर अ लिविंग लेजेंड. आई नो आई हैव एडमायर्ड यू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. सो व्हाट शुड आई एड्रेस यू एज खान साहब, एज इमरान? ओके, हमें सबसे पहले आपको जाना है क्रिकेटर की हैसियत से. कुछ अर्से से आप सियासत में आए हैं, उससे बहुत पहले से आप सोशल वर्कर भी हैं, यू आर अ फैमिली मैन. तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी तरफ वक्त कैसे तकसीम करते हैं? एक्चुअली पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि जो फैमिली को टाइम जितना देना चाहिए उतना मैं दे नहीं सकता पॉलिटिक्स की वजह से. इससे पहले तो मेरे पर कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं थी, फैमिली तो थी नहीं. सोशल वर्क में मैं जब शौकत हालम के लिए काम कर रहा था तो 18-18 घंटे भी कई दफ़ा दिन में काम कर लेता था और दो दो महीने इसी तरह काम करता था. लेकिन जब से फैमिली है और पॉलिटिक्स, तो तब मुझे टाइम का एहसास हुआ है कि 24 घंटे दिन में काफ़ी नहीं. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स इज अ मच मलाइन फील्ड, इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता. क्या आपको डर नहीं था कि इसकी वजह से आपकी रेपुटेशन को ठेस पहुंच सकती है? लेकिन डर तो मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं हुआ. और जब ईमान मेरा मजबूत हुआ तो जिस तरह कुरान में आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके डर दूर कर देते, मुझे तो डर था नहीं कभी भी. हारने से भी डर नहीं था. 21 साल क्रिकेट में हार जीत की प्रैक्टिस थी, हारना भी आता था जीतना भी आता था, और जिसको हारना ना है वो जीत नहीं सकता. तो मुझे तो डर नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि मेरी फैमिली को बड़ा इसमें डर था. और मेरी बहनें, मेरी बीवी, वो सारे ये जरूर सोचते थे कि देखिए आपके क्या ज़रूरत है आपको पॉलिटिक्स करने की, सब कुछ अल्लाह ने दिया है. तो उनको खौफ था कि, और फिर ख़ास तौर पर फिर जब मैं पॉलिटिक्स में गया, मेरी स्कैंडल्स मेरे ऊपर उठाई गई, मेरी फैमिली को बीच में लाया गया, मेरी बीवी को कहा गया कि एक यहूदी लॉबी की साजिश है, और ये सारा पूरा किया गया. लेकिन मुझे इससे कभी खौफ नहीं था और अभी भी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई इंसान आपको जलील नहीं कर सकता. इज्जत अल्लाह देता है और जिल्लत आपके अमाल की वजह से अल्लाह आपसे आपको देता है. और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी दुनिया में शॉर्टकट नहीं होता. अगर मैं ये समझता कि मैं, मेरी पॉपुलैरिटी है, मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा और एकदम मैं मुझे वज़ीर आज़म लोग बना देंगे, तो ये मेरे लिए बुरा होना था. और अगर मैं बन जाता तो पाकिस्तान के लिए बुरा होना था, क्योंकि जब तक आप मुश्किल मरहलों से नहीं निकलते. लेकिन मैं जब क्रिकेट में शुरू में आया, क्रिकेट में मैं पहले टेस्ट के बाद मुझे ड्रॉप कर दिया गया, टीम से निकाल दिया, और मैं तब समझता कि देखिए मैंने बड़ा गलत किया, मैं क्रिकेट ना छोड़ देता तो मैं क्रिकेटर ही ना बनता. सारा वक्त स्ट्रगल की. उसी तरह जब अस्पताल का, ये लोगों को नहीं इस चीज़ का पता कि 85 में जब मेरी वालदा फौत हुई, मैंने सोचा हॉस्पिटल बनाने का. सिर्फ 4 साल मुझे वो कॉन्सेप्ट ही समझने का कि कैसे शुरू करूं, 4 साल तो उसमें लगे. फिर जो शुरू में हमें मुश्किलात आई वो बयान करनी मुश्किल हैं. मैंने एक दफ़ा लाहौर के टॉप डॉक्टर्स को बुलाया, 20 थे वो, उन सब से मैंने कहा कि देखिए मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं कैसे करूँ. उन्नीस ने कहा कि बन ही नहीं सकता पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल. एक ने कहा कि बन जाएगा लेकिन गरीब का मुफ्त इलाज नहीं हो सकता. तो अगर मैं तब छोड़ देता, पीछे हट जाता. यानी कि ये तो ज़िंदगी में आपके लिए मुश्किलें आपको मजबूत करने के लिए आती हैं. ये जो स्ट्रगल है ये आपको मजबूत करती है. और मेरी जो क्रिकेट में ट्रेनिंग थी उसने मुझे ये सिखाया था कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है. मैं कभी किसी मैच में नहीं गया जिस अच्छी से अच्छी भी टीम हो ये समझो कि मैं जीत नहीं सकता. कोशिश इंसान पूरी करता है, और अगर फिर नहीं जीता तो आप अपनी हार से सीखते हैं कि मैंने सीखा क्या, ये हार के मैंने क्या सीखा. तो जब इलेक्शन हुई और हम हारे तो हमारी पार्टी में बड़े लोगों को धचका पहुंचा, क्योंकि वो समझते थे कि इमरान खान एक विनर है, हारता नहीं है. लेकिन मैं तो इससे ज़्यादा, मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी इलेक्शन में.
और जो इलेक्शन के हारने के बाद हमने सीखा है, जो मैंने सीखा है, मैं समझता हूँ वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। क्योंकि जब आप मुश्किल वक्त में डूबे पानी में छलांग मार के तैरना सीखते हैं, वो ही इंसान को मजबूत करता है। मेरे ख्याल में लोग जानना चाहेंगे कि एज ए पॉलिटिशियन आपका सियासी एजेंडा क्या है, पाकिस्तान के कौन से मसाइल हैं जो आप सुलझाना चाहते हैं, व्हाट कैन यू ब्रिंग टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो और कोई नहीं कर सका। सबसे पहले तो जी खुददारी, आज़ादी। मैं समझता हूँ कि मुझे जब तक पाकिस्तान को हम एक आज़ाद मुल्क ना बने, और मेरा आज़ादी का मतलब ये कि हमें बाहर से डिक्टेशन ना लेना पड़े, हमें मजबूरी से किसी कोलिशन ना ज्वाइन करनी पड़े, हमें IMF की कंडीशंस ना माननी पड़े, और अपने लोगों के ऊपर ये जो जुल्म करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के और जो महंगाई करके, ये तब तक पाकिस्तान नहीं होगा जब तक पाकिस्तान अपने पैर पे ना खड़ा हो। मेरी सबसे बड़ी मिशन ये है कि मैं पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क देखना चाहता हूँ, और वो आज़ाद मुल्क बनेगा तब जब आप लोगों के ऊपर भरोसा करें, अपनी कौम पे। 1987 का वर्ल्ड कप, बहुत उम्मीदें थी। आई वॉज देयर एट कताफी स्टेडियम जब हम सेमीफाइनल हारे थे। उसके कुछ देर बाद आपने रिटायरमेंट अनाउंस की, बट देन यू वर कोक्स्ड बैक। फिर 1992 का वर्ल्ड कप, एंड व्हाट अ ट्रायम्फ दैट वाज। क्या आपको मालूम था कि दिस इज माय लास्ट चांस और ये जीतना है? देखिए 92 तो मैं दो साल पहले छोड़ा था क्रिकेट, लेकिन पहले मैंने 87 में जो वर्ल्ड कप हुआ, मेरा पूरा प्रोग्राम था अगर वर्ल्ड कप हम जीत जाते तो उसके बाद मैंने नहीं खेला, क्योंकि मुझे खौफ था कि मैं कभी वो क्रिकेटर ना हूँ जो कि जिसको टीम को धक्के मार के बाहर निकाला जाए टीम से। और आपको पता है कि ये बड़ा मुश्किल होता है क्रिकेटर के लिए कि ये टाइम का फैसला करना कि कब छोड़ना है, ये आसान नहीं है ये। और मैं आपको बताऊंगी, अल्लाह की तरफ से ये एक बहुत बड़ा इंसान को खुशकिस्मत उस स्पोर्ट्समैन को समझना चाहिए जो ठीक मौके पे छोड़ दे क्रिकेट। क्योंकि आप तारीफ उठा के देख लें, 98% को धक्के मार के बाहर निकाला गया। तो मुझे ये हमेशा खौफ था कि मैं छोड़ूं क्रिकेट तब जब लोग मुझे कह रहे हैं कि दीदी अभी आप खेलें, बजाय इसके कि लोग कहें कि खुदा के वास्ते छोड़ दें। तो मैंने 87 में अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाते तो शायद मैं वापस ना आता क्रिकेट खेलने में। वो आप कह लें कि हमारी फेवरेट टीम थी उस वक्त और हमारी बेहतरीन टीम थी, और मैं मैच से पहले हमेशा सोचता था कि कैसे हम हार सकते हैं। मैं हमेशा अपना जब असेस करता था कि अगली और अपनी टीम की स्ट्रेंथ रख के सामने, मैं ये सोचता था कि हम कैसे हार सकते हैं। तो वो मैच मुझे नहीं समझ आती थी कि हम कैसे हारेंगे। हमारी होम विकेट थी, हमारी टीम उनसे बहुत अच्छी थी, हमारी टीम पीक परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन देखे ना कई चीज़ें हैं जो इंसान के हाथ में नहीं है। मसलन इंजरीज हो गए, अब हमारे एक बॉलर को इंजरी हो गई, हमारे वो विकेट कीपर को इंजरी हो गई, उससे हमें नुकसान। फिर अंपायर, एक अच्छे अंपायर ने दो गलत फैसले कर दिए जिससे हम मैच हार गए। तो उसके बाद फिर जनरल ज़िया साहब ने मुझे कहा वापस आने में, और वो भी अगर वेस्ट इंडीज़ का टूर ना होता तो मैं शायद ना वापस आता। जब मैंने फैसला किया था रिटायरमेंट का, वेस्ट इंडीज़ का टूर नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने डर के वेस्ट इंडीज़ से अपना टूर कैंसिल कर दिया। क्योंकि उन दिनों में वेस्ट इंडीज़ का इतनी ताकतवर टीम थी कि वो हारने की नहीं बात होती थी, इज्जत से हारने की बात होती थी। वो इतनी जलील करके हराते थे कि टीमें जाना नहीं चाहती थी वेस्ट इंडीज। तो ऑस्ट्रेलिया ने टूर कैंसिल किया, लास्ट मिनट पे उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट किया। तो वो फिर एक तरफ जनरल ज़िया साहब ने मुझे बड़ा ऑनर था कि नेशनल टीवी पे मुझे कहना कि आप वापस आए, और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज का टूर था जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर मैं वापस आया, और वो वेस्ट इंडीज का सीरीज जीत जाते शायद फिर मैं छोड़ देता, लेकिन वो हम बड़ी ज़बरदस्त सीरीज हुई, लेकिन 1-1 हो गया। और फिर मैं 1989 में फैसला किया था छोड़ने का, क्योंकि मैं तब तक हॉस्पिटल में लग चुका था और मैं चाहता था कि हॉस्पिटल के लिए पूरा टाइम दिया जाए।
लेकिन हमारे हॉस्पिटल के बोर्ड ने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कहा कि अगर आप इस वक्त क्रिकेट से निकल गए तो हम हॉस्पिटल को पब्लिसिटी नहीं दे सकेंगे, अभी बन नहीं सकेगा। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं वर्ल्ड कप तक खेलूंगा, जबकि मेरा दिल क्रिकेट से निकल चुका था। तब तक मैं जबरदस्ती खेला हुआ आखिरी दो साल, तो वो तो मेरा, मुझे पता था कि मैं वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और अगर 92 में ना जीतते तब क्या, 96 तक आप? 92 में ना जीते तो शायद पाकिस्तान में ना ही वापस आता, मैं वहाँ से कहीं और ही चला जाता, क्योंकि लोगों ने मुझे बड़ा बुरा भला कहना था। लेकिन देखिए, अल्लाह इज्जत देने वाला है। 1992 के वर्ल्ड कप के बाद से हमारी टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी इरेटिक रही है वर्ल्ड कप मैचेस में, क्या कमी है हमारी टीम में? उसमें भी बड़ी बदकिस्मती थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन टीम हमारी 92 के बाद बनी। कभी इतनी अच्छी हमारी टीम नहीं थी, जिसमें बैलेंस भी था, स्पिनर भी थे, तेज बॉल, दुनिया के बेहतरीन दो तेज बॉलर थे, फिर अच्छे बैकअप भी अच्छा था, और स्पिन अटैक भी था, और इंजमाम हक जैसा बैट्समैन जो मैं समझता हूँ कि अपनी दौर का बेस्ट बैट्समैन, ऑन हिज डे कह लें कि अपने दिन का बेहतरीन बैट्समैन था, सही रनवर था, यानी कि बड़ा बैलेंस था टीम में। तो ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि उसकी टीम, उस टीम ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो देनी चाहिए थी, जिसकी दो वजूहात हैं सामने। एक ये था कि कैप्टन बदलते गए, कि आप हर मेरे जाने के बाद, मैं तो भूल भी गया, मेरे ख्याल में कुछ 14-15 कैप्टन बदल चुके हैं। उसी दौर में आप ऑस्ट्रेलिया देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने एक कैप्टन बदला होगा, तो आप एक कैप्टनसी बदलती गई। और दूसरा फिर ये मैच फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी, मैंने बड़ा, जब ये शुरू हुई 93-94, मैं क्रिकेट बोर्ड के पास गया और मैंने बड़ा जोर से इनको बताया कि आप इसके ऊपर फौरी इसके ऊपर एक्शन लें, और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, और ये ख़त्म हो जाएगी कंट्रोवर्सी। लेकिन हमारे बोर्ड ने तब बदकिस्मती से ये सोचा कि इतनी अच्छी टीम है, अगर हमने एक्शन ले लिया तो ये टीम हमारी अपनी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत कॉम्प्रोमाइज की थी उन्होंने। अजीज होती है, वॉट रोल डिड योर मदर प्ले इन योर लाइफ इन मेकिंग यू द पर्सन दैट यू आर? एक तो जो जो घर का प्यार है, जो वालदा आपको इस तरह ध्यान रखती है, प्यार देती है, होमवर्क करवाती है, हर दर्द और खुशी में शामिल होती है, वो एक बड़ा यूनिक रोल है। इसलिए इस्लाम में हमें, हमारे इस्लाम में नबी ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का इतना बड़ा रोल दिया। और बड़ी बदकिस्मती है कि मगरब में इस रोल को ख़त्म कर दिया गया। वहाँ मैं समझता हूँ कि उनका फैमिली सिस्टम टूट ही इसलिए रहा है कि उन्होंने, उनको माँ का एहसास नहीं है और अहमियत नहीं है जो हमारे दीन में है। लेकिन सबसे बड़ी जो उन्होंने चीज दी, वो वैल्यू, जो वैल्यू सिस्टम है, अच्छे बुरे की तमीज। और हालांकि मैं दीन की तरफ इतना नहीं था, लेकिन उनको देखते हुए कि उनका अल्लाह में कितना ईमान था, इसका असर तो रहा सारा वक्त। हो सकता मैं बिल्कुल ही दूर चला जाता, जितना भी मैं इस्लाम से दूर हटता था, ये जरूर रह जाता था जहन में कि हो सकता है कि खुदा है, और वो वालदा की वजह से ये ख्याल था, ये सोच रह गई। आपने भी बात की थी ईस्टर्न वैल्यूज की, जो आपको वालदा से मिली, फिर पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत है, आपने कुछ बात की वेस्टर्न वैल्यूज के अगेंस्ट, तो इस बात पे आपकी बहुत तनकीद हुई है, फिर आपने फॉरेनर से शादी क्यों की? मुझे भी इसकी कई दफ़ा समझ नहीं आती। ये बड़ी दफ़ा मेरे से सवाल पूछा जाता है जी, 14 करोड़ पाकिस्तानी लड़कियों में से आपको नहीं मिली। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी सारी जिंदगी मेरी कोशिश थी पाकिस्तानी लड़की। मैं कभी, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी बाहर से किसी लड़की से शादी करूँगा।
लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि इंसान, जिस तरह मैं अभी पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा कि इंसान अपनी प्लानिंग करता है, होता वो है जो कि अल्लाह की स्कीम में होता है, और ये एक बड़ा मुश्किल ये कहना होता है कि आपने इधर की शादी की और इधर की, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 14 करोड़ क्या सारी दुनिया में भी, 6 अरब लोगों में भी, मुझे तो अगर होता तो फिर भी मैं उसी से करनी थी शादी। जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपको जहाना से ही शादी करनी है, उसके बाद कुछ हिचकिचाहट हुई दिल में कि कल्चरल डिफरेंसेस का क्या होगा, क्या थोड़ा सा भी खौफ था? मुझे हमेशा ये था कि बड़ा क्रॉस कल्चरल मैरिज बड़ी मुश्किल होती है, इंटरनेशनल मैरिज, और क्योंकि मैंने तो अपनी सारी जिंदगी देखा था कि ये ऐसी शादियाँ बड़ी मुश्किल कामयाब होती हैं। लेकिन देखिए ना, ये इसलिए ना शादी करना कि ये फेल ना हो जाए, ये इसी तरह ही है कि मैच में जाने से पहले आदमी ये डरे कि जनाब मैं कहीं हार ना जाऊँ। मैं ये खैर एनालॉजी तो ठीक नहीं है इधर, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे ये कभी हारने से खौफ नहीं है, फेलियर से खौफ नहीं है। इसलिए कोई चीज़ ना करना कि फेल ना हो जाए, ये कोई वजह नहीं है चीज़ ना करने से। तो मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया था, और देखिए आगे अल्लाह, आगे का तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये मेरा सबसे दुनिया का, मेरी ज़िंदगी के कई अच्छे फैसलों में से ये भी फैसला था। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उस वक्त? फैमिली बड़ा मुझे खुशी की बात है कि मेरी चारों बहनों और वालिद साहब की मुकम्मल सपोर्ट थी मुझे, तो उस तरह से ये कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट जी। और अब ये नहीं मुझे पता कि उनकी सपोर्ट इसलिए थी कि वो इतने डेस्परेट थे कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि तब तक मैं उनको ये डर था कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और शादी ना ही करूँगा, और या फिर उनको मेरे फैसले पे इत्मीनान था, लेकिन सपोर्ट पूरी थी। जब आपने अनाउंस किया द इंटेंशन ऑफ मैरिज हुमैना, तो इधर पाकिस्तान के मीडिया में आपको बहुत बुरा भला कहा गया, देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्लैक, डिड इट हर्ट और वाज इट समथिंग दैट यू टुक इन योर स्ट्राइड? अब देखिए कि मैंने अब किसी मीडिया से पूछ के तो शादी नहीं करनी थी, ना मैंने कुछ पॉलिटिकल मैरिज करनी थी कि ये मैं इसलिए किया कि मेरा ये शादी से मेरी पॉलिटिक्स में बेहतर चांसेस थी। आर यू अ गुड हस्बैंड? अब देखिए ना जी, फिर मैं ये कहूँगा कोशिश करता हूँ और आगे इसका क्या कह सकता हूँ। डू यू मिस क्रिकेट एट ऑल? मेरी, मैं ये कहूँगा कि मैं इतना खुशकिस्मत था कि मैं इतनी क्रिकेट खेल चुका, और जो मेरे पैशन था और जो मेरे गोल्स थे वो मैं समझता हूँ वो मैं अचीव कर चुका। कि जब मैं क्रिकेट छोड़ी तो मुझे पता था कि अब ये क्रिकेट मैं पूरी एक अपनी ज़िंदगी पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैंने कभी मिस नहीं की क्रिकेट छोड़ने के बाद। सबसे पहले आपको क्रिकेट की वजह से शोहरत मिली, तो एक बात मेरे ख्याल में जो काफ़ी लोग सोचते होंगे कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिस्सा किस खेल क्यों नहीं लिया? फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के मैं ऊपर आया था, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और जब काउंटी क्रिकेट खेलता था तो वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी, लेकिन 1981 के बाद मैंने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, और उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि मैं समझता था कि ये सिस्टम बिल्कुल गलत है, हमारा जो फर्स्ट क्लास का सिस्टम है ये सारी दुनिया से मुख्तलिफ सिस्टम है, सारी दुनिया के अंदर इलाकाई टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलती है, पाकिस्तान में और जो स्पॉन्सर्स हैं वो इलाकाई टीम को स्पॉन्सर करते हैं, पाकिस्तान में स्पॉन्सर भी अपनी टीम खिलानी शुरू कर दी, इससे बड़ा गलत सिस्टम निकला, इससे सिफारिशी आए, इससे अच्छा टैलेंट ज़ाया हुआ, इससे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की स्टैंडर्ड बिल्कुल ख़त्म हो गई, और मैंने प्रोटेस्ट में ये क्रिकेट खेलनी छोड़ी। मैंने कहा कि ये जिस क्रिकेट का फ़ायदा ही कोई नहीं, जिसको कोई ना लोगों में कोई मकबूलियत है उसकी, ना लोग देखना चाहते हैं, और ना जो क्रिकेटर हैं वो उसको मकबूल समझते हैं, और ये बदकिस्मती है कि जो जुआ शुरू हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट में, अगर जुआ आया तो ये इस क्रिकेट की वजह से आया,
कि आपस में दो इदारों के मैच हो रहे हैं, ना क्राउड में किसी को इंटरेस्ट है ना कोई देख रहा है, तो दोनों टीमों ने फैसला किया कि अगर हम इतने पैसे ले लें बुकी से तो हमारा ज़्यादा पैसा आ जाएगा बजाय ये कि हम प्राइज मनी अगर मैच जीत भी जाएँ। तो उधर से तो ये जुआ शुरू हुआ। तो मेरा शुरू से इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था कि ये एक, और पाकिस्तान में भी बड़ा बुरा कर रहे थे कि छोटे जो शहर थे और इलाके थे उनके बेचारे प्लेयर जितने मर्जी अच्छे हों वो आ ही नहीं सकते थे पाकिस्तान के लिए। तो क्या वाकई मैच फिक्सिंग होती है? मैच फिक्सिंग होती तो है, और मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में तकरीबन कोई भी मुल्क नहीं बचा इससे। इसकी वजह क्या है? असल में ये वनडे क्रिकेट की वजह से हुई। जिस तरह वनडे क्रिकेट बढ़ती गई, वनडे क्रिकेट के ऊपर पैसा चलता है, लोग बैट करते हैं, उस बैटिंग के अंदर फिर बुकीज ने प्लेयर्स को पैसे ऑफर करने शुरू कर दिए, और पैसा इतना ऑफर किया और हवस हर जगह और उसमें प्लेयर बैठना शुरू हो गया। कभी ऐसा लगता है कि यू नीड टू गेट अवे एंड मे बी आई डोंट नो लिसन टू सम म्यूजिक, वॉच अ फिल्म, रीड अ बुक, रिलैक्स, Leave it all behind. किताब पढ़ने का, और जिस तरह मैंने आपको कहा ट्रैकिंग, ये मेरा बहुत बड़ा शौक है। और एक ज़माने में म्यूज़िक थी, अब तो कम हो गई है, लेकिन वो मुझे नुसरत फ़तेह अली बहुत पसंद है, और इसलिए भी कि हम फंड रेजिंग में इकट्ठे रहते थे तो वो सारा वक्त इनकी म्यूज़िक सुन के, तो वो वाकई मुझे बड़ा इंस्पायर करती थी, क्योंकि कवाली के अंदर सिर्फ उसकी रिदम ही नहीं बल्कि उसके जो 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 लिरिक्स थे, जो वर्ड्स थे, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट था। और वो था सूफियाना, और सूफीज़म एक ऐसा है जो कि इंसान को अल्लाह के करीब लेके जाता है, तो इसलिए मुझे इसकी सबसे ज़्यादा पसंद थी नुसरत फ़तेह अली। बेगम ने पाकिस्तान में किस तरह एडजस्ट किया है, किस मुश्किल का सामना करना पड़ा? मुश्किलें तो आनी है जी। देखिए ना, मैं अब क्या 30 साल मेरा इंग्लैंड आना जाना रहा, यूनिवर्सिटी गया, काउंटी क्रिकेट खेला 18 साल, फिर भी मेरे शौक खान उनके लिए मैं रेगुलरली गया, लेकिन मुझे आज कोई कहे कि इंग्लैंड में सेटल हो तो मैं नहीं हो सकता। तो उससे एक्सपेक्ट करना, जिसने कभी पाकिस्तान, बिल्कुल एक कल्चर भी मुख्तलिफ, एक फिज़ा भी मुख्तलिफ, खाना मुख्तलिफ, हर चीज़ मुख्तलिफ, और उसकी अपनी माँ और अपनी फैमिली के, अपने भाइयों के बड़े क्लोज है, उसके दोस्त सारे वहाँ, वो सब कुछ छोड़ के आ जाना यहाँ, मैं समझता हूँ कि ये एक आसान फैसला नहीं था। आपके दो बेटे भी हैं, व्हाट डज फादरहुड मीन टू यू? एक तो जिम्मेदारी है, और मैं ये कहूँगा कि एक सबसे ज़्यादा इंसान को खुशी बच्चों से होती है, कोई खुशी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। जान है, इज्जत है। अगर आप माजी के बारे में सोचें, 30 years ago, उस वक्त इमरान खान के क्या ख्वाब थे? What were his hopes and aspirations? Are you today where you thought you would be? मैंने इतना दूर कभी नहीं सोचा था। मैं एक, मेरे एम्बिशन थे कि मैं जब क्रिकेट खेलता था कि ये गोल है, फिर उसके बाद दूसरा गोल, अपने आप अपने सामने गोल्स रखता था। वो क्रिकेट के ख़त्म होने से पहले ये हॉस्पिटल, ये बाय चांस मेरी वालदा की तकलीफ के बाद उनको तकलीफ में देखते हुए ये मैंने फैसला किया कि ये यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसमें गरीब आदमी अंदर जा सके हॉस्पिटल में और उसको फिक्र ना हो कि मैं पैसे नहीं दे सकता। तो ये फिर गोल बन गया, और इस गोल के दौरान ही मेरी एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन शुरू हो गई कि मैं रूहानी तौर पर अल्लाह की तरफ इस गोल, और इसमें हस्पताल ने मेरे ईमान को टेस्ट भी किया, आजमाया भी और मजबूत भी किया, क्योंकि अस्पताल के दौरान ही मुझे ये समझ आनी शुरू होगी कि ये मैं नहीं बना रहा, ये एक कोई बहुत बड़ी ताकत मेरी मदद कर रही है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि कितना मुश्किल प्रोजेक्ट है।
मैंने जब सोचा अस्पताल बनाना तो मैंने समझा कि कैंसर का अस्पताल जिस तरह आम अस्पताल बनता है उसी तरह बनाऊंगा। जैसे जैसे वो मैं प्रोजेक्ट में घुसता गया मुझे एहसास हुआ कि ये तो एक बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान में, क्योंकि एक स्पेशलाइज कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बनाना एक तो बहुत महंगा और फिर उसको चलाना बड़ा मुश्किल और फिर गरीब का मुफ्त इलाज करवाना तो बहुत ही मुश्किल। 2.5 लाख तो एक गरीब के इलाज पे खर्चा आता है एवरेज पे। तो खैर मैं जब शुरू हो गया फिर मैं निकल भी नहीं सकता था, तो मैंने खैर मेहनत ज़रूर की। जिस तरह मैंने कहा कि एक बार 24 घंटे में 18 घंटे अस्पताल के लिए काम किया, लेकिन मुझे ये एहसास शुरू हुआ कि ये मैं नहीं कर रहा, ये ऊपर से एक फोर्स मदद कर रही है, जो कि मैं गलती भी करता था वो ठीक हो जाती थी। और 3.25 साल में कितना बड़ा प्रोजेक्ट चल पड़ा, ये एक रिकॉर्ड है कि इतना मुश्किल और बड़ा प्रोजेक्ट 3.25 साल में खुला। और फिर सब ने कहा कि चलेगा नहीं, वो चला भी, तो इसमें फिर मेरा ईमान मजबूत होता गया और इसी से मैं पॉलिटिक्स में आ गया। सो शुड वी अस्यूम दैट यू आर द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? अल्लाह करे बन जाऊं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में भी फ़र्क है। कई प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं प्राइम मिनिस्टर तो वो इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके ऊपर आते हैं कि वो बस प्राइम मिनिस्टर ही बन के रह जाते हैं, ये नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर के बाद आपने कोई काम असल करना। काम तो तब शुरू होता है, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर बनने का मकसद होता है, ये नहीं कि झंडा गाड़ी के लग गया और बड़े महल में रहना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर ना बने, मैं ना बनूँ, जिस जो फिर मुल्क में वो अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सके, तब तक उस प्राइम मिनिस्टर बनने का कुछ फ़ायदा नहीं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन के अगर जब तक रिफॉर्म प्रोग्राम इस्लाहत ना पाकिस्तान में हम कर सकें, तो उस प्राइम मिनिस्टरशिप का भी कोई फ़ायदा नहीं। दरअसल में सब लोगों को ये मालूम है कि शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने के पीछे आपकी वालदा की कहानी थी, शी सफर्ड फ्रॉम दिस टेरेबल इलनेस, लेकिन आप वो पहले शख्स तो नहीं थे जिसकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ। आखिर आपने ही क्यों ठाना कि मुझे इसके बारे में कुछ बाकी कुछ ठोस बात करनी है, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस? मैं समझता हूँ इसकी असल वजह ये थी, एक तो मैं अपनी वालदा के बहुत करीब था और दूसरा उनको इतनी शदीद कैंसर की तकलीफ होती है, जो कैंसर को जानते हैं उन्हें पता है कि कैंसर की कितनी बुरी तकलीफ है। उस तकलीफ में उनको देखते हुए मैं मेयो हॉस्पिटल एक डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर को घर लाना था, तो उसकी सर्जरी में मैंने एक बड़े बूढ़े पठान को देखा, बेचारा चेस्ट कैंसर से मर रहा था और वो उसके लिए बिस्तरा भी नहीं था, उसको कॉरिडोर में बाहर लेटा हुआ था। वो अगर मैं मेरे घर में ये तकलीफ ना होती तो शायद मुझे उसका एहसास ना होता। उस वक्त उसको देख के मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे पास रिसोर्सेज दिए हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया, उसके बावजूद हम इतनी तकलीफ में हैं, तो इसके रिश्तेदारों पर क्या गुजरी होगी? तो ये गरीब आदमी पैसा भी नहीं है, वो बेचारे सारा दिन काम करके थोड़ा पैसा इकट्ठा करते थे उसके रिश्तेदार और फिर उसके लिए दवाई खरीदते थे और वो भी खरीद नहीं सकते, कैंसर का इतना महंगा इलाज है, वो गरीब आदमी वैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस आलम के अंदर मैंने ये फैसला किया, उस जो मेरा उस वक्त सोच थी तब मैंने ये फैसला किया कि मैं इसके लिए कुछ करूँगा। जब आपने मुहिम शुरू की थी पैसे इकट्ठे करने की सदर हॉस्पिटल, शुरू में तो टेलीविज़न पे आपके लिए इस हॉस्पिटल के बहुत इश्तहार आए, एक मेरे ख़ास तौर पर ड्रामा भी लिखा गया था, प्रेजेंट भी हुआ और फिर उसके बाद एकदम सब कुछ बंद, यू वर पर्सोना नॉन ग्राटा ऑन नेशनल टेलीविज़न। इसकी क्या वजह थी, कि यू वर सडनली सीन एज पॉलिटिकल पर्सनैलिटी? मुझे जब पैसे इकट्ठे करने के लिए हम शौकत खान के लिए लोगों में निकले और वो अल्लाह करे कि टीवी पे आप वो शॉट्स दिखाएं जिस तरह लोगों ने आके पैसे दिए, मेरा ईमान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताज़ा हुआ जब मैंने देखा कि आम आदमी जिसके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, वो एक लाहौर के हॉस्पिटल के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए पैसे डाल रहा था और यानी कि शहरों में लोग भाग भाग के आ रहे थे और एक
लड़ लड़ के पैसे डाल रहे थे, तो मुझे उससे एहसास हुआ कि इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है कि जो जिस कौम में इतना एक कुर्बानी देने का जज्बा हो तो वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे सकती है और मुल्क भी बड़ा अजीम बन सकता है। लेकिन जब हुकूमत ने वो शॉट्स देखे टीवी पे कि सारे शहर में सिटी सेंटर पर सारी दुनिया आके पैसे डाल रही है और सारे पाकिस्तान में पैसे डाल रहे हैं, लाहौर के हॉस्पिटल में, कराची में लोग पैसे डाल रहे हैं, कोयटा में डाल रहे हैं पैसे, पेशावर में डाल रहे हैं, तो उससे मेरे ख्याल में उनको खौफ आना शुरू हो गया कि ये अगर पॉलिटिक्स में आ गया तो मैं चैलेंज बन सकता हूँ। एकदम फैसला उन्होंने किया कि सब कुछ इसको जिस तरह आपने कहा पर्सन नॉन ग्राटा, हर चीज से उन्होंने मुझे काट दिया। जिस वक्त आप रिटायर हुए उस वक्त कुछ अर्से से आपका अस्पताल का काम तो चल ही रहा था, उसके अलावा आपने कुछ सोचा था कि अब क्या करना है? उसके अलावा सिर्फ एक ही चीज सोची थी कि क्योंकि मुझे मुझे हमेशा एक देहात का माहौल पसंद है, पहाड़ मुझे पसंद है, और मेरी कोशिश उस सोच में मेरा ये था एक, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी की प्लानिंग करता रहता है लेकिन जिंदगी किसी और तरफ आपको ले जाती है, और मेरी उस वक्त प्लानिंग ये थी कि मैं एक एक फार्म पे रहूं और जिम्मेदारा करूं, और शहर की जिंदगी मुझे पसंद नहीं। मेरे जहन में हमेशा ये था कि मैं, और मुझे पता भी था कि मैं किधर ये हमारा जो पोटवार का इलाका है उसके अंदर मैं ज़मीन देख रहा था, जिधर मैं ज़मीन एक फार्म खरीदूँ और उसी के ऊपर रहूँ और कभी कभी शहरों में आया था। तो लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इंसान प्लानिंग करता रहता है लेकिन ज़िंदगी अल्लाह किसी और तरफ ले जाता है। आपके क्रिकेटिंग हीरोज कौन हैं, कौन थे? मेरे बचपन में तो जी मेरे दोनों फर्स्ट कज़न थे माजिद खान और जावेद बख्शी, फिर बदलते गए, मैं मसलन कैप्टन जो था वो सबसे अच्छा ही एन चैपल को समझता था, फास्ट बॉलर डेनिस लिली मेरे सामने था, एक उसकी जो टेम्परमेंट बड़ा फास्ट बॉलर का था, और ऑलराउंडर गैरी सोबर्स था, लेकिन मैं जब शुरू कर रहा था वो ख़त्म कर रहा था करियर, लेकिन फिर भी मुझे उसमें नज़र आती थी कि बड़ा एक जीनियस था क्रिकेट का। तो बदलते गए जिस तरह मेरा करियर बढ़ता गया, मेरे जो रोल मॉडल थे वो भी बदलते गए। आजकल के जो नए खिलाड़ी हैं उनमें आपको कौन पसंद है? देखिए जी, सबसे टैलेंट तो वसीम अकरम में है, यानी कि जो हमारी क्रिकेट में सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर आया है वो वसीम अकरम है। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं आया जो सीधा ही आते साथ ही क्लब क्रिकेट खेल के सीधा टेस्ट क्रिकेट खेल गया और उसमें एकदम ऊपर आ जाए, हमें काफ़ी देर लगी ऊपर पहुंचने में, वो सीधा आ गया, तो एक अल्लाह की तरफ से बड़ा टैलेंट था। बाकी जो क्रिकेटर्स हैं उनको मैंने, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट रहा नहीं, तो मैं अब कंटेम्प्रेरी क्रिकेटर्स को इतनी अच्छी तरह जानता नहीं। आपने कुछ अर्सा पहले तस्लीम किया था कि 1981 में प्लेइंग फॉर ससेक्स वर्सेस हैम्पशायर आपने बॉल टैम्परिंग की थी बॉटल कैप के साथ, उसके बाद से जैसे एक पैंडोरास बॉक्स खुल गया, हर तरफ बॉल टैम्परिंग के इल्जाम उन्हें शुरू हो गए, वसीम अकरम, वकार यूनिस और बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए, तो ये उस किस्म की सिचुएशन थी मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल? अव्वल तो आपने तस्लीम ही क्यों किया? एक्चुअली इवेंट्स ऐसे नहीं हुए, हुआ ये कि वसीम और वकार जब अपनी पीक पे थे और वो था 92 टूर इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड में जब वो आउट कर रहे थे तो इंग्लैंड उनके ऊपर, मैं तो सब क्रिकेट छोड़ चुका था, उनके ऊपर इंग्लिश क्रिकेटर्स ने इल्ज़ाम लगाया जिसमें एरन लैम थे आगे कि ये बॉल टैम्पर कर रहे हैं, और फिर पूरा ब्रिटिश मीडिया ने इस चीज़ को उठा लिया, उसका नतीजे में पाकिस्तान की तरफ से जवाब कोई नहीं था, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स की तस्वीरें खींच ली कि बॉल को नाखून मान रहे हैं और उन्होंने कहा देखेंगे ये कह रहे हैं बॉल टैम्परिंग नहीं कर रहे, ये साबित भी हो गया और ये झूठ भी बोल रहे हैं और ये बॉल टैम्परिंग भी करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैं क्रिकेट छोड़ चुका था और कोई पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से ठोस जवाब नहीं आ रहा था,
उस और दुनिया में भी कोई बात नहीं कर रहा था इसके ऊपर, और सारा दुनिया का प्रेशर पाकिस्तान टीम पर पड़ गया। मैंने उसके बाद इस इशू को उठाया और मैं ये कह रहा था कि बॉल टेम्परिंग सब करते हैं, और उसमें मैंने कहा मैं भी करता था, और मैंने उन्हें बताया क्योंकि वो कोर्ट इसके ऊपर केस चला और कोर्ट अदालत के अंदर एलन लैम ने कहा कि नहीं इमरान ठीक था, बाकी ये बॉल टेम्पर करते हैं। उसने कहा कि इमरान ठीक था, इमरान बॉल टेम्पर नहीं करता था। मैंने कहा कि मैं भी बॉल टेम्पर करता था और सब करते हैं जिसने इंग्लिश ली और दुनिया में बॉलर भी करते थे बॉल टेम्पर। और उसको मैंने बताने के लिए जिस इंटरव्यू में मैंने बताने के लिए कि बॉल टेम्परिंग लीगल लिमिट्स में क्या है और इनलीगल लिमिट इनलीगल कैसे कहते हैं, चीटिंग कैसे कहते हैं, उसमें उसे मैंने बताया कि एक इंसिडेंट ऐसा था कि जिधर मैंने एक बॉटल टॉप से बॉल टेम्परिंग की। मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये लिमिट्स के बाहर थी और एक्सेप्टेबल लिमिट्स में जो बॉल टेम्परिंग है वो सारे करते थे, जिसमें सीन कोई उठाता था, कोई नाखून मारता था, उसके ऊपर दुनिया में शोर मचा, वो सारा मेरे ऊपर आया। उसके ऊपर फिर कोर्ट केस चला जो एलन लैम और एन बोथम ने मेरे पर कोर्ट केस किया, और कोर्ट के अंदर मेरा मौकफ साबित दुरुस्त हुआ, जिसकी वजह से आज आप बॉल टेम्परिंग का कोई नाम ही नहीं सुनते। आज तक बॉल टेम्परिंग खत्म हुई है वो कोर्ट केस की वजह से हुई। आपके लिए अपने क्रिकेटिंग करियर का वो एक मोमेंट क्या था, योर गोल्डन मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? मोमेंट्स कह लें, 21 साल का करियर था उसमें काफ़ी मोमेंट्स थी। एक तो इंडिया का टूर पाकिस्तान में था जब 1982 में, जब मैं अपनी पीक पे था एज ए बॉलर, तो वो बदकिस्मती थी कि उस पीक को मैं मेंटेन कर, मेरी टांग टूट गई, 3 साल अपनी पीक पे खेला नहीं हूँ, तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टाइम था। दूसरा जब हम इंडिया में बेंगलोर से टेस्ट जीते सीरीज, वो उसका मुझे बड़ी वो एक बड़ा मोमेंट था। और आखिर में फिर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप इसलिए था कि मुझे पता था कि मेरा आखिरी मैच है, और दूसरा ये कि मुझे पता था कि उसकी वजह से अब हम कैंसर अस्पताल के लिए पैसा इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि अगर वो वर्ल्ड कप हम ना जीतते तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था पैसा इकट्ठा करना हॉस्पिटल के लिए। I want to give my commiserations to the English team, but I want them to know that by winning this World Cup, personally, it means that one of my greatest obsessions in life, which is to build a cancer hospital, I'm sure that this World Cup will go a long way towards completion of this obsession.